नमस्कार, मैं हूँ आयुषी मिश्र और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। आग फुरबा कांड से भी बड़ा कांड बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में देखने को मिला, जहां एक दिन में ही मोतियाबिंद से शिकार 65 लोगों ने ऑपरेशन के बाद अपनी आंखों की रोशनी खो दी। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल में एक फ्री कैंप लगा था, जहां पर मोतियाबिंद की शिकायत लेकर पहुंचे लोगों ने अपने आंख का ऑपरेशन करवाया, जिसके बाद वो सभी के सभी 65 लोग आज के दिन में अंधे हो चुके हैं। इस मामले को लेकर विधानसभा की शीतकालीन सत्र में भी जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष बार बार सवाल खड़े कर रहा है, यहां तक कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी इस पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने ये भी कहा कि जिन्होंने भी ऐसा किया है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस मामले में हॉस्पिटल के डॉक्टर एनडी साहू समेत 4 डॉक्टरों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके अलावा 5 पारा मेडिकल स्टाफ के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मापुरा थाने में इस मामले को लेकर केस दर्ज किया गया है। मोतियाबिंद सर्जरी कैंप में जिन मरीजों का ऑपरेशन किया गया था, उन्हें अब पटना लाए जाने की तैयारी है। दरअसल मुजफ्फरपुर में मोतियाबिंद की सर्जरी के दौरान लोगों की आंख की रोशनी चली जाने के मामले में PMO ने संज्ञान लिया है। PMO ने स्वास्थ्य विभाग से इस मामले में पूरी रिपोर्ट तलब की है। PMO की तरफ से रिपोर्ट मांगी जाने के बाद राज्य सरकार में हड़कंप मच गया है। राज्य सरकार ने इस मामले में सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी रविंद्रनाथ चौधरी को जांच का जिम्मा सौंपा है। PMO में अधिवक्ता SK झा की शिकायत पर रिपोर्ट तलब की है। स्वास्थ्य के क्षेत्रीय निदेशक ने गुरुवार को मरीजों का हालचाल जाना था, उसके बाद यह फैसला लिया गया कि इनका इलाज पटना में कराया जाएगा। इस मामले में बुधवार तक 15 लोगों की आंख निकालनी पड़ी थी, जबकि 9 और ऐसे मरीज हैं जिनकी आंख निकालने की नौबत बन चुकी है। मुजफ्फरपुर में जो केस दर्ज किया गया है, उसमें अस्पताल के सचिव और डॉक्टर दोनों को आरोपी बनाया गया है। मुजफ्फरपुर मोतियाबिंद कांड को लेकर गुरुवार को बिहार विधान परिषद में भी हंगामा हुआ। इधर सरकार ने कहा कि पीड़ितों का इलाज मुफ्त में पटना के IGMS हॉस्पिटल में कराया जाएगा। तो कल तक जिस आंख के ऑपरेशन को लेकर सदन में भी हो हल्ला हो रहा था, विपक्ष बार बार ये सवाल खड़े कर रहा था कि आखिर उस हॉस्पिटल और उन डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई कब की जाएगी। अब जाकर उन डॉक्टरों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। इसके अलावा आई हॉस्पिटल के खिलाफ भी FIR दर्ज किया गया है। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान गुरु खान बंगाली। घर बैठे पाएं समाधान, अभी कॉल करें 8448277903। लेकिन अब वो जितने भी मरीज जिन्होंने भी अपनी आंखों की रोशनी खोई है, जो भी मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद अंधे हो गए हैं, उन सभी का इलाज अब सरकार पटना के IGMS में मुफ्त में करवाएगी। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।